नवगछिया के गोपालपुर प्रखंड के बिंद टोली में बांध टूटने से स्थिति काफी भयावह हो गई है। चारों ओर सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है और गंगा नदी खतरे के निशान से 58 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। इस त्रासदी से सैकड़ों परिवार बेघर हो गए हैं और कई लोग पहले ही पलायन कर चुके हैं। बता दें कि इस बांध के निर्माण पर वर्ष 2008 में बिहार सरकार ने 44 करोड़ रुपए खर्च किए थे और इसी वर्ष 2024 में इसकी मरम्मत के लिए 15 करोड़ रुपए और खर्च किए गए थे। इसके बावजूद बांध को बचाया नहीं जा सका, जिससे किसानों की फसलें नष्ट हो गई और मवेशियों के चारे की भी गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है। स्थानीय ग्रामीणों का आरोप है कि जल संसाधन विभाग द्वारा बांध के निर्माण में गंभीर लापरवाही बरती गई थी, जिसका खामियाजा किसान भुगत रहे हैं। अब इस बांध के टूटने से किसान और ग्रामीणों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो बहुत गंभीर है सर। हाँ, कल जो सवेरे कटा लगा है सवेरे 7 बजे, अभी तक कोई प्रशासन यहाँ तक नहीं पहुँचा है। कैसे राना होना हो रहा है? बहुत कसर आ रहे हैं हम लोग बांध पर, बहुत समस्या झेल रहे हैं। अब ऊंचे जगह पे जी जा रहे हैं, बांध पर जा रहे हैं, कहीं ऊंचा जगह पे जा रहे हैं, कई बहुत दिक्कत में है। क्या कहिएगा सरकार से, क्या मांगिएगा? हमको जमीन चाहिए, हमको आवास चाहिए, हमको रहने का जगह दीजिए। और कुछ? अभी जिंदगी भूखे प्यासे कट रही है। कल ऐसे कितने खाए हम लोग कि हमारा 7वां और 8वां जो हमारा स्पर है जो गोपालपुर हमारे ब्लॉक में है, यहाँ पे तटबंध टूटा है और जिससे कि कुछ लोग प्रभावित हुए हैं। खास करके एक गांव है हमारा बुद्धूचक, वो प्रभावित हुआ है। पानी का स्प्रेड थोड़ा हुआ है लेकिन जनजीवन अन्य जगहों पे सामान्य है और यहाँ के लोगों को हमने शिफ्ट किया है। उतना ही नहीं कि लोगों को यदि घर के सामान की शिफ्ट करने की ज़रूरत है, उसके लिए भी हमने 9 से अधिक बड़ी नाव लगाया है। साथ ही हमारे पास SDRF और NDRF की टीम के करीब 12 बोट अभी कार्यरत हैं, आप लोग देख रहे होंगे। तो ये सारी चीज़ें लोगों के लिए है। मैं आम लोगों से आपके माध्यम से ये अपील जरूर करूंगा कि हमारे सभी पदाधिकारियों को इस बांध के मजबूतीकरण में सहयोग करें, ताकि इस बांध को जो भी हमारा ब्रिज हुआ है इसको हम जल्द से जल्द दुरुस्त कर सकें। आपको अवगत करा दें कि बांध पे जो परिवार हैं इनमें से मैक्सिमम के पास जमीन है और उनके पास घर भी है, और हम लोगों ने भी 63 परिवार को जमीन बंदोबस्त किया हुआ है और कुछ का और पाइपलाइन में है, कर देंगे। ये ज़मीन की बंदोबस्ती करीब 5 माह से अधिक पूर्व जो है हो चुकी है और लोग अभी तक शिफ्ट नहीं किए हैं, ये चिंताजनक है। दूसरा कि हमने अपने तंत्र से पता लगाया तो सबके पास अपनी अपनी ज़मीन भी है। ये जस्ट यहाँ पे गुहाल के रूप में कुछ झोपड़ी यहाँ बनाए हुए हैं, आप देख रहे हैं कोई पक्का कंस्ट्रक्शन नहीं है, सारी झोपड़ियाँ हैं। और लोगों से हमने आग्रह भी किया है, लोग शिफ्ट भी करेंगे और हमें कार्य करने के लिए जितना स्प्रेड तक इसे चौड़ा करने की ज़रूरत पड़ेगी, बांध को हम लोग चौड़ा करेंगे और मजबूत। भागलपुर नाथनगर थाना क्षेत्र के राघोपुर पंचायत के माधोपुर गांव में एक किसान की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान 50 वर्षीय मुकेश कुमार और फूलन शर्मा के रूप में हुई है। बता दें कि 3 दिन पहले पड़ोसियों के साथ हुए जमीनी विवाद के बाद मारपीट की घटना हुई थी, जिसमें मुकेश कुमार को जान से मारने की धमकी भी दी गई थी। वहीं घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर राघोपुर से शहजादपुर जाने वाली सड़क मार्ग को घंटों जाम कर दिया, जिससे इस मार्ग पर यातायात बाधित रहा। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि मुकेश कुमार की हत्या तब की गई जब वह घर में सो रहे थे। उनके सिर में गोली मारी गई जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घटना की सूचना मिलने पर भागलपुर DSP2 राकेश कुमार, नाथनगर थाना पुलिस और FSL की टीम मौके पर पहुंची। वहीं पुलिस ने घटना स्थल से एक पिलेट भी बरामद किया है। वहीं पुलिस ने परिजनों और ग्रामीणों को शांत कराते हुए कार्रवाई का आश्वासन दिया है। मृतक की चाची के अनुसार 3 दिन पहले गांव के ही मिथुन मंडल, सागर मंडल, बंगटू मंडल और बरुण मंडल ने जमीनी विवाद को लेकर मुकेश के घर पर पहुंचकर लाठी डंडों से हमला किया था और जान से मारने की धमकी भी दी थी। इस घटना की शिकायत नाथनगर थाने में भी की गई लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। वही मामले को लेकर DSP2 राकेश कुमार ने बताया कि बीती रात नाथनगर थाना क्षेत्र स्थित माधोपुर गांव के रहने वाले मुकेश कुमार की गोली मारकर हत्या की गई है। मृतक के परिजन
किसानों ने पड़ोस के ही रहने वाले एक व्यक्ति से जमीन विवाद को लेकर हत्या का आरोप लगाया है। वहीं डीएसपी ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और जल्द ही अपराधी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। झगड़ा वाले ने सर पे 15 दिन पहना मार पीट कर लेके खा लिए, हाथ चले हाथ तोड़ी दिल के मारी का, और हम लोग मार लेते बाद एक रानी निकल के मारी भूत लाए वही हमारा जमीन और भी से हम झगड़ा वाले लाई हमारी दिल के गाड़ी की गोली मार ले मगजो। हम कब हुआ था पहले झगड़ा? 15 दिन पहले आए वालों से। उसमें क्या मार 10 लाठी मार ले चले, हाथ तोड़ ले चले, पीटी मार ले चले, मगजो मार ले चले। थाना गए थे? हाँ, थाना हम दिलिया आवेदन आवेदन ला लेके और कुछ नहीं कर लेके पैसा दे पैसा मौसनी पैसा पार्टी छे हमरा पैसा नहीं छे, हम गरीब परिवार छे हमरो कुछ नहीं सुनै छे। क्या आखिर किस चीज रो झगड़ा छे? जमीन और झगड़ा छे। कितना जमीन? जमीन छे हमरो 5.5 जिसमें 5.5 जिसमें। हमे कहे छे तोरो एक कट्ठा छो तोरो नहीं छो जमीन, सब दिन हम मारे लिए 7 पुष्ट नि मिल गेले एकरा पर, आज मैं अपनो बाउंड्री करी लेले छे तइयो कहे छे हमरो जमीन छे। आज की होलो छे? कुछ न घरे न बनावा दे छे। आज की होलो? कुछ नहीं होलो छे। आंख ना बहुत डूब जा, रात का गोली मार ला छा बीका के मिथुन मंडल सागर मंडल बंकू मंडल। पहले जब 15 दिन पहले झगड़ा लो लोग केकरा से लो ले? ओकरा जो लो मिथुन मंडल से जमीन रो मैटर। हां तो पुलिस के एलो ले? एलो ले पुलिस। पुलिस खाली आबे छे आ बस कुछ नहीं, खाली देखि चल लो जाय छे, उनस पैसा ले ले छे चली दे छे, कहे टाका खाना खाना खाली पैसा खाना पैसा ले ले छे घर दूसरे चले जा राघोपुर देखे ओसे उदे सुरे रुके नो आदमी छे सागर मंडल मिथुन मंडल सागर मंडल छे सच्चे कनो तोर बेल्ट बड़ो छे झुंड ओकरा पूरे गांव गांव उते छे हमानी 4 घर छे शर्मा वही ले कमजोर सोची सते जकरा उजाड़ी भगा दिए किनारा नगर थाना क्षेत्र के माधोपुर गांव में मुकेश कुमार शर्मा का जमीन है जिस उक्त जमीन पर उसके चाची द्वारा मकान बनाया जा रहा था जिसका विरोध उसका पड़ोसी मिथुन मंडल द्वारा किया जा रहा था उसी के लेकर विवाद को लेकर हत्या करने की बात बताई जा रही है, अन्य बिंदुओं पर जांच की जा रही है। कितने लोगों को हिरासत में लिया गया? वही पूछताछ के लिए 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। परिवारों का आरोप है कि पुलिस को 3 बार 4 बार आवेदन लिखित दिया गया था, शिकायत किया गया था, इसके बावजूद पुलिस ने किसी तरह का कार्रवाई नहीं किया, इसलिए घटना बनी। नहीं, पुलिस तो हर बार कार्रवाई की है या कि जब भी हुआ पुलिस कार्रवाई की है, और ये जमीनी विवाद का मामला है और जमीन का नापी करवाना था, इस संबंध में लोग सीओ साहब ने लोग दिया गया था कि वहाँ से नापी नहीं हो पाई थी और जाँच के उनकी जो भी आरोप आरोप पत्र जो लगाया जा रहा है उसकी हर एक बिंदु पर जाँच की जाएगी। सर वो क्या अब ये तो पता कर लेते हैं, जो जांच करवा लेते हैं कि मांग है कि नहीं है वो। कितने लोगों को सर आरोपी बनाया गया? अभी उनके द्वारा लिखित आवेदन दिया नहीं गया है, लिखित आवेदन पर और भी कार्रवाई की जाएगी। भागलपुर साकुन थाना क्षेत्र के कस्बा खेरई पंचायत के वार्ड नंबर 9 में अज्ञात अपराधियों ने एक युवक की गला रेत कर हत्या कर दी। मृतक की पहचान विक्रम कुमार के रूप में हुई है जो दिल्ली में रहकर मजदूरी का काम करता था और फिलहाल 1 महीना पहले ही अपने गांव गोरगामा वापस आया था। घटना का खुलासा तब हुआ जब विक्रम की बड़ी माँ की बेटी ने छत पर जाकर देखा तो विक्रम का शव खटिया पर पड़ा पाया, जहां उसका गला धारदार हथियार से रेता हुआ था और शरीर पर कई जगहों पर चोट के निशान थे। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल से सिगरेट समेत कई अन्य नशीली पदार्थ को भी बरामद किया है, जिससे यह आशंका जताई जा रही है कि हत्या पार्टी के दौरान की गई होगी, जिसके बाद ग्रामीणों ने तुरंत पुलिस को मामले की सूचना दी। वहीं सूचना मिलते ही थाना अध्यक्ष जयनाथ शरण दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और घटना की छानबीन में जुट गए, जिसके बाद एफएसएल की टीम ने बताया कि हत्या सुबह के समय की गई है। वहीं मौके पर डॉग स्क्वाड की टीम भी जांच में लगी हुई है। फिलहाल पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच में जुट गई है। माया 12 बजे फोन करके कि विक्रम नहीं छे घर में, तो बारिश भोरिश कुंडी लागलो छे, तो हम देखे बारिश कुंडी लागलो छे, तो हम की अंदर कथी ले जेबे, हम नहीं देखलिए, तो एगो अगलो बगलो से पूछलिए कि विक्रम कोई देखना छे, कहलकै हम नहीं देखना छे, तो हम शांत के लिए कहीं गेलो छे भोज तोज खाइल गेलो होतै अइतै सोझौ तलक में, हम सब्जी खाए पी रौदा लेस खाए पी घर में सुति रहिए,
आ फिर 3 बजे बाबा शर्मो बाहर निकल गए उन्ना टोटो एना घूर ले बिहार जाए उन्ना तब हमरा बेटी के फोन करल के कि हमरा बेटी के फोन करके कि देखो तनटा जाए वहाँ पर विक्रम तब वहीं फोन करके कि 3 बजे लगभग करना चाहिए 3 बजे लगभग करल के वहीं कल के कि जाके देखो तो कुंडी खोलू तो विक्रम उपरब तो नहीं सुतल है बह हमरा बेटी देखी लेल के सीढ़ी पर से खोल गए हौल ढाई पर मम्मी से हौल ढाई पर तो बह देखल के सीढ़ी पर से देखे तो विक्रम बेहोश सुतल खून रोत चले हमारे बेटी सीढ़ी पर से लगमो रे कनली बजरल हमारा लग बिहारी इन्ने उन्ने गेल हाँ पूरा ब्लड गिर गलो हम लोग प्रदेश में थे हम क्या अभी आए क्या बताएंगे हम 1 महीना हुआ था मैंने से यहाँ पे आया था यहाँ पे ननिहाल कहाँ रहता था नानी का घर में रहता था हाँ वहाँ से गया था बिला भी सजी देखने के लिए शिव शंकर को किसी से दुश्मनी था क्या दुश्मनी नहीं था कोई कौन मार सकता जमीन का विवाद जमीन तो मेरी कुछ नहीं जमीन मेरे पास है ये नहीं क्या कौन मार सकते अब हम अभी क्या बता सकते हैं कुछ बेटा ऐसा वैसा बात बताया था हमको कुछ नहीं बताया था बात होता था हम बात किए थे 18 तारीख की भी बात किए थे 17 तारीख की भी बात किए थे कुछ नहीं बोला था बस खाली बोला गैस सिलेंडर खत्म हो गया 1000 रुपये उसको दिया था गैस के लिए। भागलपुर के अकबरनगर थाना क्षेत्र के खरैया हाई स्कूल के समीप भीषण सड़क हादसे में एक छात्र नेता की मौत हो गई। घटना गुरुवार दोपहर लगभग 1 बजे की बताई जा रही है जब शिशिर रंजन कुमार नामक छात्र नेता अपनी बाइक पर सवार होकर जा रहे थे तभी अचानक उनकी बाइक की ट्रक से जोरदार टक्कर हो गई जिसमें शिशिर रंजन कुमार की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय ग्रामीणों ने पुलिस को मामले की सूचना दी जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शिशिर रंजन कुमार के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भागलपुर मायागंज अस्पताल भेज दिया साथ ही ट्रक को जब्त कर घटना की जांच शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि घटना के समय बाइक पर शिशिर रंजन के साथ दीपक कुमार भी सवार थे जिसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। दोनों युवक खैरिया गांव के ही रहने वाले थे। वहीं इस दर्दनाक हादसे से पूरे इलाके और परिजनों में कोहराम मच गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है। मोटरसाइकिल और ट्रक ऐसी भिड़ंत हो गया उसी में शिशिर रंजन और पुकुल दो आदमी थे जिसका एक्सीडेंट हुआ और शिशिर रंजन का तो वहीं पे हम लोग को लगा कि इसका बहुत ज़बरदस्त एक्सीडेंट हुआ ब्लड बहुत ज़्यादा चल गया था इसलिए लग रहा था कि इसका मतलब बहुत गहरा थी चोट लग गया है। कहाँ पे हुआ था ये? खेरैया हाई स्कूल गेट के साथ जस्ट सामने हुआ था अकबरनगर थाना में। क्या नाम था पिताजी का? संजय सिंह।